हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास एक MI 4A का सेट आया है, तो इसमें साउंड प्रॉब्लम है, तो इसमें कोई भी म्यूज़िक या कोई भी फ़ोन आता है तो लाउड स्पीकर करके देखते हैं तो नहीं सुना है। चलिए इसको हम रिपेयर करके आपको इसको सामने आपको दिखाते हैं और सॉल्व करके म्यूजिक चला के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्लस पॉइंट है और इस पर रीडिंग आ रहा, ये निगेटिव पॉइंट है, इस पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं चलिए एक बार क्लियर कर दूँ आपको पास से। देखते हैं इस पे और इस पे, ये चीज़ है, ये दोनों कनेक्शन इसका यहाँ तक आता है और इसका कनेक्शन यहाँ तक आता है। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे उसके बाद में अब आपको कम्प्लीटली दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम आपको आपका डाउट क्लियर करते हैं कि रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आता है। तो देख सकते हैं ये प्लस है, यहाँ पे मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तक इसकी सप्लाई बराबर आ रही है यहाँ पे और इसकी सप्लाई यहाँ तक आ रही है। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरे की सप्लाई देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ से इसकी सप्लाई वहाँ तक नहीं जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से आपको चेक कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई दोनों पर आ रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव का दोनों का सप्लाई ऐसी है, यहाँ पे दोनों पे आ रही है, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस एक जम्पर यहाँ से यहाँ तक के बीच में प्रेस करके मार देना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको करके और दिखाता हूँ। बैटरी बैटरी में डिस्कनेक्ट कर दूँ, तो चलिए मैंने उस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसको अभी मैं आपको जम्पर करके दिखा के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं ताकि मेरी शोल्डिंग अच्छे से हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने पेस्ट को अच्छे से लगा दिया है, उसके बाद में मेरा पेस्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा लग गया, तो चलिए हम इस पे दोनों पे शोल्डिंग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड शोल्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको कम्प्लीटली दिखा दूंगा। आपको दिख रहा होगा फोटो में किस प्रकार से आया है, सेम उसी प्रकार से शोल्डिंग को करना है। ठीक है, दोनों साइड में। तो ये चार्जिंग का जम्पर मैंने पहले से किया था, चार्जिंग की सप्लाई का कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, करीबन ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, चार्जिंग का प्रॉब्लम आया तो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया था। तो ये साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये कम्प्लीटली मेरा ये सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे प्रॉब्लम सेम हमेशा हर फोन के ब्रांड में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि आपको मैं जो चीज़ डाउट रहता है, जो चीज़ रहता है, आपको सेम प्रोसेस क्लियर और सामने करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये डाउट इसलिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि मतलब इसमें कोई कुछ अलग से डिफरेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं आपको मैं सामने करके और लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल पे हमेशा के लिए। धन्यवाद।